मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप मामले को लेकर सियासत जारी है। कथित तौर पर देश के सबसे बड़े ब्लैकमेलिंग सेक्स स्कैंडल की जांच एमपीएसआईटी कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर एमपी में सियासत जोरों पर है। अब तो कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने इस मामले को आरएसएस नेताओं की शादी से जोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मोहन भागवत को यह भी सलाह दी है कि वो खुद शादी करें और आरएसएस नेताओं से शादी करने को कहें। निश्चित रूप से जांच होगी। जो ये गिरोह काम कर रहा था, सरकारी काम ले रहा था, एनजीओ बना के काम ले रहा था, टेंडर्स वगैरह में अपना हस्तक्षेप कर रहा था और फायदा उठा रहा था सरकार से, ये जनता के गाढ़े पसीने की कमाई है, तो इन लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मानक अग्रवाल के इस बयान को लेकर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी नेता उन्हें मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता तो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी क्यों शादी नहीं कर रहे। देखिए, मानक अग्रवाल जो है वो पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हैं। पहले ही कांग्रेस उनको साइडलाइन कर चुकी है इस तरह के वक्तव्यों के कारण, और अब इस तरह की बातों को करके वो अपने आप में शिगुफेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सारे विचार पोषित कार्यकर्ता किस तरह राष्ट्र की सेवा करते हैं सब जानते हैं, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, जो ब्रह्मचर्य का महत्व अपने आप में है उसका अगर कोई पालन करता है, उसका इस तरह से मजाक उड़ाया जाए, ये पूरी तरह से गलत बात है। अगर आपको मजाक उड़ाना है तो अपने बिना शादीशुदा करे हुए राहुल गांधी का उड़ाइए, जो उनसे पूछिए इस बात को कि अभी तक अगर वो शादी नहीं कर रहे हैं तो कहाँ गुलचर्रे उड़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एमपी के चर्चित हनी ट्रैप केस में सुंदरियां अक्सर राजधानी भोपाल के चर्चित क्लब में जाती थी, जहां उनके लिए कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा कमरे बुक किए जाते थे। इन लड़कियों में कई तो मात्र 18 साल की हैं। पकड़ी गई युवतियों के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने या तो खुद ही राजनीतिक दल में बड़ा पद हासिल कर लिया था या उनके परिवार के सदस्यों को इसमें बड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी। कोई गैर सरकारी संगठन बनाकर चांदी काट रहा था तो कोई अफसरों और नेताओं को डरा धमका कर। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।